बात कानपुर की, जहां पर आईएएस इफ्तकारुद्दीन धर्मांतरण के मामले से जुड़ी यह खबर है। कानपुर पहुंचे एसआईटी प्रमुख जीएल मीणा, 50 से अधिक वायरल वीडियो सामने आए। वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है। एसआईटी हर पहलू की जांच कर रही है। 7 दिन के अंदर जांच पूरी हो सकती है। आईएएस इफ्तकारुद्दीन से कोई बात नहीं हुई है। जिस तरीके से लड़की डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी जितनी भी मरम्मत की जाए वो कम है। मैं चेयरमैन हुसैनाबाद ट्रस्ट, जिलाधिकारी लखनऊ श्री अभिषेक प्रकाश जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप बड़े मामबाड़े के चेयरमैन हैं, और चेयरमैन होते हुए जो बड़े मामबाड़े के अंदर उसके तकद्दस को पामाल किया जा रहा है, उसकी जितनी भी मदम्मत की जाए वो कम है। और इसको पर ज़बरदस्त तरीके से एक एहतजाज का हम ज़बरदस्त तरीके से ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के हवाले से लायामल मुरतब करेंगे। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, निंदा की जाए, वो कम है। इससे पहले भी बहुत दफ़ा इस तरह के वीडियो हमारे सामने आए हैं कि जहां अश्लील हरकतें हो रही हैं और इसी तरीके से डांस वगैरह हो रहा है। हमने बराबर एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात के मुतालिक बाबत कराया कि यह टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये धर्म स्थल है। यहाँ धार्मिक कार्य होते हैं, लिहाजा धर्म स्थल की पवित्रता को भंग न होने दिया। देखिए, इबादत गाहों का एहतराम और उसका सम्मान करना हर हिंदुस्तानी का मजहबी फरीजा और मुल्की फरीजा है। इसलिए जिस तरीके का वीडियो लखनऊ की इबादत गाह के ताल्लुक से वायरल हुआ है और मंजर आम पर आया है, हम सबको मिलकर एक आवाज़ से उसकी मुखालिफत और उसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि इबादत गाह सिर्फ किसी